जिस साइकिल ने घर तक पहुंचाया, जिस साइकिल ने अपनों से मिलवाया, उसकी अहमियत को मजदूर से अच्छा भला और कौन समझ सकता है। कोरोना काल में लॉकडाउन के वक्त मजदूरों ने इन साइकिलों पर मीलों का सफर तय किया, लेकिन जो मजदूर अपने साथ साइकिल ना ले जा सके, उन्हें ये खबर सुनकर दुख और तकलीफ जरूर होगी। लावारिस पड़ी इन साइकिलों को सरकार ने 21 लाख 20 हजार रुपए में नीलाम कर दिया है। विपरीत परिस्थितियों और मुश्किल हालात में मजदूरों ने साइकिलों पर मीलों का सफर तय किया था, लेकिन जो लोग ये साइकिल अपने साथ ना ले जा सके, उन्हें अब वापस नहीं मिल पाएगी। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के समय सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था की थी। घर लौटते समय करीब 25,000 मजदूर अपनी साइकिल सहारनपुर में छोड़ गए थे। सभी साइकिल पर एक नंबर डालकर मजदूरों को टोकन दिया गया था, लेकिन अब इन साइकिलों को 21 लाख 20 हजार रुपए में नीलाम करना पड़ा। 2 साल बीतने पर भी करीब 5,400 मजदूर अपनी साइकिल लेने नहीं पहुंचे, तो जिला प्रशासन ने लावारिस घोषित कर इन्हें नीलाम कर दिया। नीलामी 21 लाख 20 हजार रुपए में हुई। सदर तहसीलदार नितिन राजपूत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बाद हुए लॉकडाउन में बसों से अपने घर लौटने वाले प्रवासी मजदूर सहारनपुर में अपनी करीब 11,000 साइकिलें छोड़कर चले गए थे। इनमें से करीब 5,400 मजदूर नहीं लौटे, तो उनकी साइकिल लावारिस घोषित कर एक प्लॉट में सुरक्षित रख दी गई। 2 साल इंतजार कर इन साइकिलों को अब 21 लाख 20 हजार रुपए में नीलाम करना पड़ा। नीलामी के लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि अंबाला रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के पदाधिकारियों से सभी मजदूरों का नंबर लिया गया था। जो मजदूर उनकी साइकिल लेने नहीं पहुँचे, उनको फोन किया गया। सहारनपुर से बहुत अधिक दूरी होने के कारण कुछ मजदूरों ने अपनी साइकिल ले जाने से मना कर दिया। सहारनपुर प्रशासन ने तब इन्हें लावारिस घोषित करते हुए आवश्यक प्रक्रिया के बाद नीलाम कर दिया। साइकिल नीलामी से प्राप्त हुई धनराशि को शासन के पास भेज दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।